आपकी शादी पे ना मैं आने नहीं वाला, मैंने आपको बता दिया ये बात ऑन कैमरा बता रहा हूँ। ये देखो वीडियो बन रही थी, बनाते बनाते वीडियो हैंग। ऑर्डर लेके भाई मैं जा रहा हूँ, जरा भीड़ देखो कितनी है यार यहाँ पे सब लोग। जो कॉफी है डिपॉल्स की, ये एक्चुअली सबसे पहले भाई मैं भी थी कनॉट प्लेस के अंदर, और ये भाई ने स्केच बनाया मेरा। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। अभी ना मैंने कार का जो मॉकअप है ये ऑर्डर करा टेम्पलेट, ये देखो लैम्बोर्गिनी के पूरे टेम्पलेट्स बनकर आएंगे हमारे पास में। उसके बाद में जो ये भाई है ना ये पूरा काम करके दिखाएंगे अच्छे से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट की जो पूरी मेरी गाड़ी है ना इसके हर एक पार्ट्स का मेरे पास डायमेंशन आ जाएगा। उसके बाद में वी कैन डिज़ाइन समथिंग अकॉर्डिंग टू द कार की कैसा क्या करना है और कहाँ क्या करना है, तो कुछ ना कुछ हमारा ऐसा आउटपुट बन के आ सकता है। मतलब नाउ यू गाइस नो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो 17 सितंबर 2021 को मैं गया था मुंबई, उसके बाद में मैंने देखी थी अपनी लैम्बोर्गिनी पहली बार जब मैं गाड़ी अपनी बुक कर आया था। मेरा एक्चुअली प्लान था कि लैम्बो को पूरा ब्लैक करवाऊंगा, बट पापा ने बोला कि भाई तू ब्लैक तो करवा लेगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब गाड़ी साफ करने की बारी आएगी तो गाड़ी बाहर निकालेगा, वापस लेकर आएगा, गाड़ी पर कपड़ा मारो, मतलब गाड़ी इतनी गंदी होती रहेगी ना ब्लैक में। तो भाई ब्लैक इज़ वेरी वेरी गुड, बट ब्लैक गंदा बहुत जल्दी होता है। तो पापा ने बोला कि कुछ ना कुछ अलग सा ट्राई करा, तो मैंने रेड करा, हाथ में गोल्डन एलॉयज करे, बाद में ऑरेंज करा। बट उसके बाद में अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बिकॉज गाड़ी का जो बर्थडे वो आने वाला है, बिकॉज आई लाइक टू सेलिब्रेट माई थिंग्स बर्थडेज एंड ऑल, पता नहीं क्यों मेरे को एक तरह से ना उनसे हो जाती है अटैचमेंट। तो बस अभी लैम्बोर्गिनी का हम कुछ ना कुछ अभी प्लान करने वाले हैं। एंड बाय द वे वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक है, जो अपने करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट इज अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। तो मैंने स्पेशली अभी अंकल से रिक्वेस्ट करी है कि अंकल जी एक महीना मेरे को जिम करना है। तो पापा ने खासकर बोला कि तू रात को अकेला जिम मत जा, आपके साथ जाऊं। तो अंकल जी से थोड़ी बातचीत चल रही है, वार्तालाप। मान गए मतलब? बिल्कुल मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा किसकी मानूंगा। ये बड़े बड़ी ना पतंग भी रखना भाई एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी गाड़ी पे नहीं रख पा रहे हम, ना तो उस पे ना तो इस पे। तो ये अभी लैम्बो पे रखी है फिलहाल टेम्परेरी। कितनी बड़ी है वैसे अंकल जी, देख रहे हैं कंपैरिजन में। यारी के गाना है तेरा भाई पॉल का, ये भाई मेरे को एपिक लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई इसी बंदे का ना पहले एक गाना आया था अंकल जी, मेरे जो रिश्तेदार है वो भी सहसे, मैं चंगा, मेरा प्यो चंगा, मेरी माँ चंगी, रिश्तेदार बोल भी रहे हैं भाई। ये लगा रहा है मतलब भाई, ये तो एपिक निकाल दिया भाई, लिटरली सच बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, रियलिटी बता रहा बंदा भाई गाने में। मेरा जो पड़ोसी है वो वैसे आया ना छुट्टी का दिन है, तो इसलिए हम जा रहे हैं लाजपत नगर, बिकॉज आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और वहाँ क्यों जा रहे हैं? सैंडविच खाने। सैंडविच खाने हम जा रहे हैं 18 किलोमीटर दूर, सिंगल साइड, मतलब 36 किलोमीटर अप डाउन। बढ़िया है छुट्टी के दिन, मतलब ट्रैफिक नहीं मिलता तो बढ़िया रहता है। इनको देखो भाई, ग्रीन लाइट होने के बाद भी उधर से आके तोड़ रहे हैं बत्तियाँ। इनको कोई रोल मिलार वाले भैया, आप तो कम से कम मत तोड़ो बत्तियाँ, आपकी आपसे उम्मीद नहीं है। गाइस मेरे आगे चल रही है लैंड क्रूजर प्राडो VXL। अंकल दुबई में तो ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट यहाँ पे तो अंकल जी मतलब क्या बताऊँ, इतनी बेस्ट लग्जरी है बहुत अंदर से। वैसे आज छुट्टी का दिन था, मैंने चिराग भी को फ़ोन करा कि चिराग भी आपको चलना है हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम जाओ अकेले, बाकी आते हुए मेरा सैंडविच ले आई हो। मैंने बोला फिर जगह जाओगे भी नहीं तो सैंडविच भी नहीं आने वाला, कह रहे मेरे को पेटीएम कर दूंगा। बोला पैसे वाली बात ही नहीं है, सैंडविच नहीं आने वाला कुछ भी हो जाए। भाई तो जब ये थे हमने देखी ना अंकल, ये थी डीजल वाली, ये V6 थी, V8 नहीं थी, ये VXL थी। तो मैंने भी गूगल करा तो ये 3 लीटर का जिसमें इंजन है और ये V6 है डीजल है। इसके बाद हमको एक बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दिख रही हैं, अभी हमको दिख गई CLS 350, बहुत रेयर कार है मेरे ख्याल से अंकल। अच्छा, एक से बढ़िया एक गाड़ियाँ, V6 पेट्रोल इंजन भाई। बर्फ का गोला वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। हम पहुँच चुके हैं लाजपत नगर मेन मार्केट के अंदर। अब अंकल जी यहाँ से जाएंगे एक्चुअली लेने के लिए कोल्ड कॉफ़ी, और मैं जाऊँगा लेने के लिए सैंडविच। ये दो अगर जाएंगे ना काम पे तभी कुछ ना कुछ बन पा रहा है। ये भाई मार्केट है लाजपत नगर की, और जरा चलते हैं बस गोल्डन फिएस्टा पे यहाँ से। तो यार ये है वो लिंक गोल्डन फिएस्टा की, तो यार यहाँ पे फिर ले जाऊँ सैंडविच अपने लिए, बर्गर वगैरह। तो यहाँ का पूरा मेन्यू जैसे पॉज, मैं इतना दूर से खाने के लिए ही आया हूँ बस, और यहाँ पर इतनी देर लग गई। जस्ट चीज़ में कितनी चीज़ डलती है यार, चीज़ की क्वान्टिटी देखो। ऑर्डर लेके भाई मैं जा रहा हूँ, जरा भीड़ देखो कितनी है यार यहाँ पे, सब लोग इन्जॉय करते हैं अभी चाइनीज़ प्लेटर वगैरह, और यहाँ पे देखो चुस्की वगैरह भी मिल रही है। अब मैं जाना लेने फिलहाल तो मोमोज। चिराग भी अभी ना अमेजिंग है, जब मैं निकल गया हूँ तो फ़ोन कर रहे हैं दो सैंडविच एक बर्गर लिया। भाई मेरे को पहले फ़ोन करता, मैं डेली भी आता हूँ, और अब ये यहाँ से जा रहा हूँ डीपॉल्स। पता नहीं आईफोन में क्या हरकत हुई है यार, जब भी आईफोन से ब्लॉक करता हूँ ना ये हर जगह मतलब बात करते करते पॉज हो जाता है, मतलब वीडियो बनती रहेगी और पॉज हो जाता है, जैसे अभी इससे पहले की जो क्लिप थी पॉज हो गई थी। अभी हमें रोलमा आंटी मोमोज है, यहाँ से अंकल ने पैक करा लिया हरा,
भैया कोल्ड कॉफी भी और मोमोज भी। बिना बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है तो हम उतने के पहले यहाँ पे खा लेते हैं आराम से। और ये है डिपॉल की कॉफी, मतलब डिपॉल तो बहुत फेमस कॉफी है दिल्ली में, कमांड प्लेस वगैरह सब जगह है ये। तो लाजपत नगर का फूड है ना, स्ट्रीट फूड, ये बहुत ज्यादा वाला फेमस है। मतलब लोग भाई, ऐसे एग्जांपल देखो भाई, मैं इतना दूर से आया हूँ खाने के लिए, तो लोग भाई इसके पीछे एक्चुअली बहुत ज्यादा पागल है। तो हम एक्चुअली यही ट्राई करने वाले हैं आज की जो स्ट्रीट फूड है ये, इसमें डोलमा आंटी के मोमोज मैंने खाए थे 2 साल पहले, तो कैसे हैं टेस्ट में अंकल जी, पहले आप ट्राई करो। ये पनीर मोमोज है, इसमें कुछ भी नॉनवेज नहीं है, और इसमें एक्चुअली आते हैं 6 पीसेस। अमेजिंग है भैया, अमेजिंग मेरे को नहीं लगे, 2 साल पहले भी मैं आया था, ये सिर्फ हाई बना रखी है यहाँ के मोमोज की। देखो नॉर्मल पनीर डाल रखा मोमोज के अंदर, अंकल तो हमेशा हर चीज़ को अमेजिंग बोलते हैं। नहीं लगा भैया मुझे, थोड़ा सॉल्ट भी आता है। डोलमा आंटी का जो है ना हाई बहुत ज़्यादा बना रखा है। जो कॉफ़ी है डिपॉल्स की, ये एक्चुअली सबसे पहले मैं भी थी कनॉट प्लेस के अंदर, और उसके तब से मैं फ़ैन हो चुका हूँ। तो दिस कॉफ़ी को मैं रेट करूँगा 10 में से 10। रही बात मोमोज की, तो मोमोज को आई विल गिव 5 out of 10, बिकॉज भाई मोमोज का जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। जो टेस्ट है मैं ये बोलूँगा पहले से बहुत ज़्यादा लाइक डाउन ही जा रहा है क्वालिटी। एक तो होता है कि अगर नाम चल जाए ना तो क्वालिटी को मेंटेन करके रखो, वही है। और भाई ये मैं नहीं, मैंने बहुत सी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी हैं, वो भी ये बोलते हैं कि जो इसका हाइप है वो बहुत ज़्यादा है और जो क्वालिटी है थोड़ी सी डाउन जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सैंडविचेज हैं जो कि हैं गोल्डन फिएस्टा के। पूरा इसमें स्टफिंग ऐसी थी, टमाटर कोल स्टॉ वगैरह, ये गोल्डन फिएस्टा का था और ये मोमोज थे, तो साथ में चटनी वगैरह के साथ अंकल खा रहे हैं। अमेजिंग इट इज़ and I'll give it 10 out of 10. कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। 20 minutes later. चिराग दिया का फोन अभी आया? अच्छा, निकल गया वहां से। हां, मैं 15 मिनट खड़ा हूं, मैंने फोटो भेजी है दिया, यहां पे आ गया हूं। और जब निकल जाता फोन कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए ले आ। कभी-कभी करना पड़ता है ना अच्छाई का काम। चिराग भैया कहले चलो इतना दूर दोबारा आ गए हम लेने के लिए। ये भाई कुछ ना कुछ अंकल थोड़ी दुआ मिल जाएगी। इनके ना आइसक्रीम ज्यादा चाइनीज चाट बहुत ज्यादा फेमस है, और इसलिए अभी हमने यहाँ पे आइसक्रीम भी ली है अंकल और मैंने। दोबारा भैया के पास आगे अंकल तंग करने के लिए 4 बर्गर लिए हैं, 2 सैंडविच लिए हैं, ये वाले सैंडविच सबसे अच्छे हैं। ये देखो ये पैक करवा के ले आए हैं। चिराग भैया कह रहे पहले पापा मम्मी के लिए लाते, बाद में कह रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? हेलो, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था। अभी देखो यहाँ पे अंकल आइसक्रीम लेकर आ गए हैं, इसमें पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर मिक्सड है, ब्लू कलर का आई थिंक ब्लूबेरी होगा, साथ में ये स्ट्रॉबेरी है, मिक्स कलर की आइसक्रीम है ये, बढ़िया। ये गाड़ी है देखो, इससे इतना धुआं आ रहा है क्या भाई, ठीक भी करा लो इतना गाड़ी में तुम पॉल्यूशन कर रहे हो। देखो यार बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है अंकल, इसके इंजन विंजन गर्म हो गया, उससे धुआं निकल रहा है भैया, इसका रिंग पिस्टन सब गया इसलिए धुआं दे रही है। तो इसका वैसे चालान कटना बनता है? बिल्कुल बनता है। ट्रैफिक वाले अभी पीछे जब मैं था मैं तो बोला भैया देखो आगे आग लग गई, उसे थोड़ा दूर ही रहो अंकल, गाड़ी फटफट आ गई, ऐसी गाड़ी से दूर ही रहो, इतना पॉल्यूशन निकल रही है। आपका ऑर्डर। थैंक यू, रेटिंग कर देना सर। जोमेटो बॉय मर्सिडीज में इतनी हवा में पतंग नहीं उड़ रही, बताओ आपसे। और अंकल वैसे बोल रहे बर्थडे की पतंग उड़ाऊंगा, अभी कैमरा बंद होगा मैं उड़ा के दिखाऊंगा ना, फिर बोलोगे भाई दिखा दियो जादू। ये देख जादू दिखाओ, तुम जादू दिखाओ मेरे को जरा एक बार, चलो चल गई हवा। शादी पे ना मैं आने नहीं वाला, मैंने आपको बता दिया ये बात ऑन कैमरा, बता भाई सब कुछ छोड़ सकता है तू, शादी कंटेंट छोड़ सकता है। अंकल सुनो मेरी बात, होगा पता है क्या, इनकी शादी पे कितनी वीडियो बनेंगी? कम से कम 10 वीडियो नहीं, एक एंगेजमेंट की बनेगी, फिर चिराग भैया का फेस रिवील शादी पे, जब शादी पे फेस रिवील करूंगा पूरा, आपने जो आपके कपड़े पहन रखे होंगे, फिर चिराग भैया की जो वाइफ है वो कौन सी वाली आएंगी, अभी ये नहीं पता ना अंकल जी, वो 6 में से कौन सी चूज करेंगे, अभी वो वाला चल रहा है सीनिंग का, तो इसके पे कम से कम ऐसे करते करते फिर 5-6 ब्लॉग बन जाएंगे अंकल जी। ये तो हो गया, फिर उसके बाद जो है जब प्रेगनेंस होगी, जब जो है प्रेगनेंस नहीं सुनो, फिर एक वीडियो बनेगी गिफ्टिंग चिराग भैया किड अ टॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। तमता बड़े है ड्राइवर भाई। एक ये बंदा इसने जस्ट अभी पतंग उड़ाई है, चिराग भैया देखो खींच मार रहा है, जो उसी भाई आ रहा है अपनी टपरी दिखा रहा है। अब भाई फिर मिलते हैं भाई। कहाँ जा रहा है? तो अपने घर जा रहा हूँ, मैं मिला लिया हाथ। बाकी भैया क्या प्लान है आपका थोड़े दिन बाद, कल परसों का? कल परसों जा रहे हो ना गर्लफ्रेंड के साथ? चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी होने वाली है। तो प्रियांश भाई एक्चुअली अभी मेरे पास में आए हैं, और ये भाई ने स्केच बनाया मेरा, यार बहुत अच्छा लग रहा है, आपने खुद से बनाया ये? चलो यार थैंक यू सो मच भाई। और आपका भी यूट्यूब चैनल है किस नाम से भाई बताओ? बीकेपीसी ब्लॉग्स। सब्सक्राइब कर दो भाई को यार, आपकी एज 10 ईयर्स है राइट, और भाई इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, चलो अच्छा लगा भाई आपसे मिल गया, थैंक यू सो मच। अभी मैं घर आया हूँ ना, अम्मा ने देखो ये बना रखी है, इतनी सारी खीर बनाई थी, और ये मम्मा ये
सबसे अच्छी है ना आपकी फेवरेट, सबको खिला दी और ये अब हमारी बच गई। अब यार देखो बात करता हूँ कि अगर एग्जांपल आप स्पेंड कर रहे हो 1 लाख 1.5 लाख रुपीस एक आईफोन पे और आप फ़ोन खरीदते हो उसके बाद में उसका जो कैमरा है वो ऐसे ऐसे हैंग करे तो भाई कितना गुस्सा आएगा। मतलब आप वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हो अच्छे खासे रिकॉर्ड हो रहे एकदम से जो कैमरा है वो हैंग हो जाए। और ये मेरे ही नहीं मतलब सबके आईफोन्स में ऐसा हो रहा है बिकॉज मैंने बहुत लोगों से बात करी सब ऐसा कह रहे हैं कि जब से उन्होंने करा ना 15.5 पे फिर उन्होंने करा 15.6 पे इसका iOS अपग्रेड तब से इसमें दिक्कत आ रही है। मतलब वीडियो बनाते बनाते जो वीडियो पॉज हो जाती है ये देखो वीडियो बन रही थी बनाते बनाते वीडियो हैंग मतलब 24 सेकंड की वीडियो बनी है और मेन बात है कि ये एक जगह सेल हो जाती है और इसकी वजह से सेव भी नहीं होती। तो मैं तो यही बोलूंगा अगर आपने अभी तक अपना iOS अपग्रेड नहीं करा 15.5 पे तो भाई मत ही करना। मेरे एक्चुअली एक दोस्त है सिद्धार्थ भाई तो मैंने उनसे पूछा उनके पास iPhone 12 है तो उनका भी वो चल रहा है 15.6 पे उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है सिर्फ 13 की सीरीज में। अब मेरे को आप बताओ कमेंट्स में कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि वीडियो अगर आप बना रहे हो वो करते बनाते बनाते वो वीडियो हैंग हो गई। तो खत्म करता हूँ अपने आज की वीडियो को यहीं पर ही, होप करता हूँ जो इशू है जल्दी से जल्दी सॉल्व करे एप्पल और कुछ ना कुछ देखे बिकॉज भाई जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है यार अगर आप वीडियो बना रहे हो और आपका जो कुछ कंटेंट है वो हो जाए मिस तो कितनी दिक्कत वाली बात है। और दो जो वो वीडियो है वो बाद में सेव भी नहीं होती मतलब एक ये भी दिक्कत है। बट जो भी है खत्म करता हूँ अपने आशी वीडियो को यहीं पे ही मिलता हूँ आपसे मैंने एक व्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।